सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात स्कंद माता जो कार्तिकेय के साथ सिंह पर सवार है, अपने दो हाथों में कमल और एक हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए है। ऐसी माँ स्कंद माता मुझे कल्याण प्रदान करें। प्रणाम बच्चों, नवरात्र के पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पीछे भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। ऐसे में स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा नवरात्र के पांचवें दिन की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा की जाती है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। स्कंद माता शेर पर सवारी करती है और उनकी चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं ही हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है।